उसके बाद वो पीस रहा है। तो मटन को ना पानी में। हेलो दोस्तों, मैं किशन सवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ आज किंग स्टार होटल। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ हंडी मटन, जो आज का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और कैसे बनता है, उसका बनाने का तरीका क्या है, और बनने के बाद भाई इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है, इसका मैं आज पूरा सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना और चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। तो ये भैया प्याज काट रहे हैं और इधर सीधा फ्राई हो रहा है, इसका तैयारी हो रहा है। चलिए हम दिखाते हैं आपको पूरा इसका प्रोसेस। भाई तो गजब का प्याज काट रहे हैं एकदम बल्ली। ये भैया जीरा को ना पीस रहे हैं, फ्राई करके उसके बाद वो पीस रहे हैं। कै साल से भैया बना रहे हैं बिरयानी ये मटन? ये मटन हांडी अपना 4 साल से। 4 साल से पहले दिल्ली में बना। दिल्ली में? तो भैया पहले ना दिल्ली में बना रहे थे मटन, अब ये खुद का दुकान खोल रखे हैं और खुद का होटल खोले हैं। और ये ट्रेनिंग का 28 मिनट सब्जी मंडी से जब निकट में है सियालपुर चौक पे, रोड दिख ही रहा होगा बैक में। और मैं लोकेशन बता दूं आप लोगों को, ये जस्ट सियालपुर मार्केट जो मुजफ्फरपुर की तरफ है, तो मुजफ्फरपुर का मार्ग है ये। और इधर बता दूँ आपको तो ये समस्तीपुर, और ये मुजफ्फरपुर समस्तीपुर को दोनों को जोड़ती है NH 28 है, और जस्ट सियालपुर मार्केट के बगल में और आगे सब्जी मंडी है उसके जस्ट बगल में ये दुकान। इसको भी पानी में न धोया जा रहा है। तो मटन को ना पानी में अच्छी तरह से धो लिया गया है। ये क्या लहसुन पेस्ट? लहसुन का पेस्ट। ये रहा लहसुन का पेस्ट जो पिसा के आ चुका है, और इसमें डाल दिया अभी मिर्ची, प्याज, तेज पत्ता। ये गरम मसाला साबुत है, मटन मसाला, कश्मीरी मिर्च। ये लाल मिर्च
दाल मिर्च पाउडर, ये रहा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ये रहा जीरा पाउडर जो फ्राई किया हुआ था, ये डला गया धनिया पाउडर, साबुत गोल मिर्च, ये रहा साबुत गोल मिर्च, नमक, अब ये नमक, अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, ये लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट है जो मिला रहा है, गरम सरसों का तेल, ये गरम सरसों का तेल और इसमें इलायची भी, इलायची भी इसमें रखा गया है, हांडी में तेज पत्ता, ये हांडी में तेज पत्ता रख दिए हैं, साबुत दालचीनी, क्या ये दालचीनी, साबुत दालचीनी, ये साबुत दालचीनी, जावित्री, क्या था ये जावित्री, क्या ना जावित्री, जावित्री साबुत, लौंग, इसके अंदर लौंग भी रखा गया है, साबुत इलायची, साबुत इलायची, गरम सरसों ऑयल, सरसों का तेल, ये गरम सरसों का तेल, गरम सरसों का तेल रखा है, देख ये कितना क्वांटिटी में तेल है, अब इसमें मटन रख दिया गया है, एक मटके में क्या केजी लमसम मटक आ जाता होगा मटन, अपना 1.5 केजी मटन, 1.5 केजी एक मटके में 1.5 केजी मटन आ जाता है, मतलब अभी ये 3 किलो का प्रोसेस चल रहा है, ढक्कन बंद कीजिए,
ये क्या मतलब आटा का गूंद दिए हैं इसको, आटा का सिल किया जा रहा है उसको। तो ये आटा से मतलब गुना हुआ है और इसी से ये ढक्कन को ना पैक करेंगे, ऊपर जो ढक्कन रहेगा उसको ना पैक करेंगे। भाई ने इसको पूरा अच्छी तरह से सील कर दिया है और ये रहा कोयले का आग। अब इसको ना पकने के लिए रख दिए हैं। कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? 40 मिनट। कोयला की मात्रा बढ़ा दी गई है, जो ज़्यादा ताव जल्दी हो और जल्दी मटन पके। तो इन्हीं भाई का ये ढाबा है, होटल। बीस पच्चीस मिनट बाद इसको चलाया जा रहा है, जो नीचे का मीट मटन जले ना, और सुगंध तो अभी ही मतलब अभी से ही बड़ा झकास आ रहा है इसका सुगंध। आहा, क्या सुगंध आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन सुगंध आ रहा है इसका अभी ही। फिर अभी छोड़ेंगे इसको, मतलब 15-20 मिनट और छोड़ेंगे, उसके बाद इसको हटाएंगे। तो दोस्तों, रोटी गर्मा गर्म बन रहा है और जैसे ही रोटी गर्मा गर्म बनता है वैसे ही हम पहले ट्राई करेंगे और फिर हम आपको बताते हैं। बनने दीजिए रोटी। तो दोस्तों, अभी मटका वाला जो मटन था वो बन के तैयार हो चुका है और थाली भी लग चुका है, दिखा दूँ आपको। ये दो पीस है जो कि 150 रुपया का आता है, जिसमें दो पीस मटन है, बाकी चटनी है इसके साथ, दो दो चटनी और चार रोटी फ्री है। मतलब 150 रुपया में दो पीस और चार रोटी। उसके अगर रोटी आप एक्स्ट्रा लेते उसका फिर चार्ज अलग से देना पड़ेगा। चलिए इसका टेस्ट ट्राई करते हैं। भाई वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद है इसका, और मैं खा के आपसे बात करता हूँ इसके बारे में। तो वाकई में दोस्त बहुत ही स्वाद ना भाई, बहुत ही अलग टेस्ट था इसका, मटके का अलग ही हिसाब किताब का था। मैंने खा के भी ट्राई किया, बहुत ही अलग।
तो रेट मैं बता दूँ आप लोगों को, वैसे अभी ये 2023 का मैं रेट बता रहा हूँ, मटन मटका का जो रेट है उसका 1000 रुपये केजी चलता है, और खुला में 250 का 4 पीस बेचते हैं, प्लस 4 रोटी देते हैं मटन के साथ, सलाद भी देते हैं, और दो एक धनिया का चटनी और एक और चटनी है जो दो चटनी देते हैं साथ में देते हैं। और वैसे तो ये मतलब मटन के अलावा भी और चीज़ बनाते हैं, बिरयानी वगैरह भी बनाते हैं, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, अगर आप इस रूट में कभी भी आते हैं, ये मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर वाले रूट में कभी भी आप आते हैं, तो ये सियालपुर चौक के जस्ट बगल में भाई का मतलब ये ढाबा है, तो आप आना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही गजब का बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।